उन्हें भी मारा जा रहा है। अगर एक आदमी प्रदर्शन कर रहे हैं तो दिल्ली में हर जगह गोलियां चलवाई है, यूपी में मासूमों को मारा जा रहा है, 25 लोगों की डेथ हुई है पूरे देश में, उसमें से सिर्फ 18 यूपी में हुई है। यूपी का गुंडाराज को पर्दाफाश करना होगा। सड़क है इधर असम भवन है, असम भवन के उधर से उत्तर प्रदेश भवन के बाहर जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो है बैरिकेड की हुई है, पुलिस का जो है वाटर कैनन की गाड़ी यहां पर मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर है। कुछ जो स्टूडेंट यूनियन है उनकी तरफ से और जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनकी तरफ से आज यहां पर प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने यहां पर धारा 144 जो है वो लागू कर दी, और 144 लागू करने के बाद में किस तरह से जो है अब बड़ी संख्या में जो है, हाँ देखिए अभी हम आपको विजुअल दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों की और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। असम भवन है उधर से, इधर पीछे कर्नाटका भवन है, छत्तीसगढ़ भवन है उधर से, 300 से 400 500 मीटर दूर जो है जहां से भी प्रदर्शनकारी पुलिस को नजर आए, चाहे वो अकेला था, चाहे वो दो थे, चाहे वो महिला थी, चाहे वो पुरुष था, पुलिस ने उनको वहीं से गिरफ्तार किया। और किस तरह से पुलिस ने जो यहां पर जो कार्रवाई हुई है वो आप देखिए एक बार जरा, कि कार्रवाई जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है, मुझे ज्यादा बोलने की शायद जरूरत नहीं है। अरे बच्चा अंदर आ जाओ। तो दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, तो दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, तो दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, तो दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। 18 लोग मरे हैं, मासूम लोग, सर पे गोली क्यों मारी? मार रही है, ये दिल्ली पुलिस की हकीकत है। आज हम प्रदर्शन करते हैं, जा रहे हैं तो उन्हें भी मारा जा रहा है। अगर एक आदमी प्रदर्शन कर रहे हैं तो पहली बार हो रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस बर्बरता के साथ हमारे साथ बिहेव कर रही है, ये पहली बार हुआ कि हमें प्रोटेस्ट नहीं कर दिया, करने दिया गया है और ये लोग हमें उठा के ले जा रहे हैं। गिरफ्तारी क्या हमें ये जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, इकट्ठा आने का क्या है? हम इकट्ठा आएंगे, देखिए जब हम एक साथ होते हैं। क्या कहेंगे बाकी के लोग और कहाँ हैं? बाकी के लोग और आ रहे हैं हमारे साथी, और ये कब तक हमें ले जाते रहेंगे इस तरह से, हम देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए लगातार जो है जहाँ पर भी प्रदर्शनकारी जो है यूपी भवन का घेराव करने के लिए पहुँच रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है लगातार, चाहे वो, और बड़ी बात है जो अभी तक जो प्रदर्शन हमने लगातार देखे वो प्रदर्शन में यूपी भवन हो या कोई और जिस भवन के सामने जंतर मंतर पे हो, इंडिया गेट पे हो, वहां पर गिरफ्तारी होती है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गिरफ्तारी जो है जहां से भी प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं उनको उसी सड़क से गिरफ्तार किया जा रहा है। आप किस लिए किस सेक्शन में? वो गिरफ्तारी हो रही है, एक एक लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस तरह से अभी आपने देखा कि उदित राज को जो है अभी गिरफ्तार किया गया, वो यूपी भवन पहुंचे थे, मीडिया से बाइट दे रहे थे, मीडिया से बाइट देते समय पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। देख रहे हैं, भी होना जरूरी है। खड़ा हो रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, बताइए, खड़ा हूँ मैं, देख रहे हैं, अगर मैं खड़ा हूँ नहीं, क्या बात है, कोई वो थोड़ी है यहाँ खड़े होना, कोई क्राइम हो गया खड़े होना, कहीं से भी हूँ, अगर खड़ा हो तो क्या बुराई है, अगर खड़ा हो तो क्या बुराई है? कहाँ से आए, क्या हो रहा है?
कहाँ से आए हैं? अगर मैं हम लोग नहीं खड़ा, यहाँ खड़ा नहीं होना, यहाँ नहीं खड़ा होना, ठीक है? कहाँ से आए हैं? हम लोग भारतीय, एक पहचान भारतीय, ये पहचान का नहीं है। आप कौन सा पहचान ढूंढते हैं? जब यहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर क्यों लगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर सर? क्या लॉ एंड ऑर्डर? हम लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं। योगी जी ने जो गोरखपुर में हंगामे करवाए थे, दंगे करवाए थे, तो योगी जी की भी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। भी करो, ये भी दंगा ही है, इनकी क्यों नहीं करते? और जामिया यूपी के सारे लोगों के साथ और सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रहेगी। हमारा संवैधानिक अधिकार को छीना जा रहा है, हमारा प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये दमनकारी सरकार हमसे हमारे संवैधानिक अधिकार छीन रही है। हमें जो है डिक्टेटरशिप के तरफ ले जाया जा रहा है। आज देश में बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार को गला घोटा जा रहा है। हम संविधान को बचाने के लिए, इस देश का रक्षा के लिए खड़े है, और ये देश धर्म के आधार पर नहीं बटने देंगे। जब जब मोदी करता है तो इसको आगे करता है। देखिए ऐसा है, इन्होंने यहाँ आतंक काट रखा है, 126 तो लड़कियाँ अरेस्ट की इन्होंने, जो दो लड़कियाँ थी वो भी, जो एक थी वो भी, और जो पैदल चल रही थी वो भी, और जो ऑटो में बैठी हुई थी वो भी। इन्होंने जिसके ऊपर शक देखा उसी को उठा करके उस, वो कह रही है कि मुझे वहाँ जाना है, उसके बावजूद भी इन्होंने पकड़ के अपनी गाड़ी में डाल लिया, और उसके बाद उसको लेकर के पता नहीं कहाँ चले गए। उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है, हमें पता नहीं है। हमारे इतने लड़के जो यहाँ आए थे, अपनी अपनी गाड़ियों से आए थे, अपनी अपनी बसों से आए थे, अपने अपने पैसों से आए थे, उन सबको पकड़ करके इन्होंने जो है पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए हैं। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। किसी को बोलने की वो नहीं है, आज़ादी नहीं है, किसी को लिखने की आज़ादी नहीं है, किसी को बात करने की आज़ादी नहीं है, किसी को चलने फिरने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पर जितने प्रदर्शनकारी यहाँ आए थे, एक एक दो दो करके सबको अरेस्ट कर लिया गया है। प्रदर्शन होने नहीं दे रहे, बात करने नहीं दे रहे, कि अपनी बात को रखने नहीं दे रहे हैं।